उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद एक मृत महिला वापस लौटी तो लोगों के होश उड़ गए। इस महिला की हत्या के आरोप में एक बेगुनाह को 14 महीने जेल में रहना पड़ा। अब हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर बेगुनाह को जेल क्यों काटनी पड़ी। एक एटीएम ने महिला की पूरी साजिश से पर्दा उठा दिया। घटना साल 2018 की है, जब श्रद्धा नाम की ये महिला अचानक लापता हो गई। महिला के पति योगेंद्र ने अपनी पत्नी को भगा ले जाने का आरोप मोहल्ले के ही प्रमोद पर मर दिया। इसी बीच उन्नाव में ही एक महिला की जली हुई लाश बरामद हुई। पुलिस मौके की तलाश में थी, परिवार ने शिनाख्त कर दी और पुलिस ने बेकसूर प्रमोद को जेल भेज दिया। 14 महीने तक जेल में रहने के बाद प्रमोद की जमानत हुई। हालांकि इस बीच पुलिस ने जली हुई लाश का डीएनए करवाया तो वो श्वेता के परिवार से मेल नहीं खाया, लेकिन तब तक प्रमोद जेल में रहा। के साथ ही न्याय होना जरूरी है, सही विवेचना, किसी भी प्रकार की सही और निष्पक्ष विवेचना भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। श्रद्धा की असलियत सबके सामने आ गई, पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है, लेकिन गुनहगार ना होते हुए भी जो वक्त प्रमोद ने जेल में गुजारा उसका हिसाब कौन देगा। ये घटना पुलिसिया सिस्टम पर सवाल खड़े कर देती है। ये जो मैटर हुआ है ये सॉल्व करने का नहीं, एक लाश मिली थी, परिजनों ने उसको बताया था कि तुम्हारी लाश है, तुम कहाँ चली गई थी, इतने दिन कहाँ रही? सर मैं महाराष्ट्र में थी। किसके साथ? सर सिंगल ही थी, वैसे जॉब कर रही थी और एक फ्रेंड है, अभी उसके साथ रह रही। नहीं तो बिना बताए महाराष्ट्र क्यों गई थी? सर मेरे हस्बैंड से थोड़ा तंग आ चुकी थी इसलिए। नहीं, आपके हस्बैंड ने एक निर्दोष व्यक्ति को जेल भिजवा दिया, 14 महीने वो जेल रहा, एक बॉडी मिली थी उसमें उन्होंने शिनाख्त करी कि वो जो है आपकी बॉडी है। सर ये मुझे पता चला था, पर उन्होंने ऐसा क्यों बोला ये मुझे नहीं मालूम। नहीं पता चला उसके बाद क्यों नहीं, एक निर्दोष व्यक्ति 14 महीने तक की जेल रहा आपकी वजह से? आप सर मैं आना नहीं चाहती थी, नहीं, पर आना, मैं यहाँ पे किसी काम के लिए आई तो सर लोगों ने पकड़ा तो फिर मैं यहाँ पे आई। तो मैं आना नहीं चाहती थी, मैं यहाँ पे किसी काम के लिए आ रही थी, मुझे थोड़ा काम था तो सर लोगों ने पकड़ा इसलिए। तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी वजह से एक व्यक्ति जो है कि पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, 14 महीने जेल में रहा वो, हैं? लगता है सर, पर कहाँ से पकड़ा तुमने? सर मुझे स्टेशन से पकड़ा। स्टेशन कौन सा? कानपुर। प्रमोद में? प्रमोद क्या हुआ था तुम्हारे संग, इतने दिन जेल में रहे, क्या मामला है? मामला हमका इन्होंने हमसे पर कुछ पैसे लिए थे, हमने इनसे पैसे ऐसे मांगे, किसी भी ये घटना हो गई। क्या घटना हुई? घटना मतलब इनकी वाइफ कहीं चली गई, फिर चली गई तो इन्होंने मतलब पहले हमने विवाद करने के बाद हमने जब पैसे मांगा तो हमसे मतलब झगड़ा करने लगे। जब झगड़ा करने लगे तो हमने पुलिस को इसको बताया, झूठी एक वो NCR लिखवा दिया। NCR लिखवाने के बाद एक जली बाड़ी वहाँ पे आसीवन पे मिली, आसीवन में जब जली बाड़ी मिली तो उन्होंने उसकी शिनाख्त पहले नहीं की, वो 1-1.5 महीने बाद शिनाख्त करने की, यही मेरी मतलब वाइफ बड़ी शिनाख्त थी। तो हमको झूठे मामले में फंसा दिया गया, हमने पुलिस को काफ़ी कहा भी पहले कि हमने कोई हत्या नहीं की है, हमको फालतू छुपाया जा रहा है, तो इन्होंने कहा कि नहीं यही मेरी बड़ी है, यही मेरी वाइफ है। मतलब किसी बार में अच्छा उस हत्या के मामले में तुमको जेल भेज दिया गया? उस हत्या के मामले में हमको जेल भेजा गया। कितने दिन जेल में रहे? जेल में रहे 14 महीने। 14 महीने जी। अब क्या हुआ? अब उसमें हमने हाई कोर्ट से जमानत पे हम छूटे थे। हाई कोर्ट से जमानत में छूटने के बाद यहाँ विवेचना चल रही थी कि दूसरे इंस्पेक्टर साहब जब आए हैं इन्होंने कैदे से थोड़ा काम किया है, तो इसके बाद इन्होंने शिनाख्त करके मतलब बरामद किया है। लेकिन अच्छा जिस महिला को मृत घोषित किया गया था वो अब जिंदा बरामद हुई? जिस महिला को जिस महिला के साथ में उसको जेल भेजा गया मृत में वो जिंदा बरामद हुई है। कहाँ से? ये अहमदनगर बता रहे थे। अहमदनगर जी। क्या लगता है इतने दिन तुमने जेल में काटा गुनाह ना होते हुए? हम कह रहे हैं सर मुझको न्याय मिलना चाहिए, मेरा रुपया पैसा बर्बाद हुआ है, पढ़ाई लिखाई मेरी बर्बाद हो चुकी है। मतलब 14 महीने तुम जेल में रहे, अब ये 14 महीने तुम्हारे वापस आई हैं? 14 महीने की नहीं, वापस आएंगे। मेरी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गई, उसके बाद पैसा मेरा बर्बाद हुआ है, गरीब आदमी है। पुलिस को धन्यवाद देते हो कितना क्या? पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, किसी मेरी ज़िंदगी बचा ली है। अब क्या मांग करते हो कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने झूठा तुमको बताया? जी मैं तो यही मांग चाहता हूँ कि हम जेल गए हैं तो ये भी लोग फंसे हैं कुछ, जो हकीकत है हमको न्याय मिलना चाहिए, ये लोग भी जेल जाएं। तो क्या लगता है जिस समय तुमको जेल भेजा गया था उस समय पुलिस की तरफ से सही कार्रवाई नहीं करी गई थी? उस वक्त सही कार्रवाई की जाती तो हम जेल क्यों जाते? लड़की किसके पास से बरामद हुई है ये तो पुलिस बता सकती है।